प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर एक बार फैसला कर दे तो क्या इंसान के अंदर ताकत है कि उस फैसले को बदल सके? हाँ, इंसान परमेश्वर का फैसला बदलवा सकता है। कैसे, किस तरह से? मूसा ने दो बार परमेश्वर के फैसले को बदल दिया। परमेश्वर ने दो बार चाहा कि मैं इसराइल को ख़त्म कर दूं, लेकिन मूसा ने उस फैसले को बदलवा दिया। कैसे, मूसा में ऐसा क्या था? मूसा ने ऐसी किस तरह से बात की और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण परमेश्वर ने फैसला बदल दिया? क्या आप भी परमेश्वर का फैसला बदलवा सकते हो? हाँ, आप ऐसा कर सकते हो। कैसे, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। हालेलुया, हालेलुया। आओ तो हम वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और हम पढ़ेंगे 21 से लेकर 28 तक। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनान स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उससे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनते समझते ग्रहण करते और उसके अनुसार हम चले ताकि परमेश्वर के राज के वारिस बने। एक बार परमेश्वर की आवाज़ यूना नबी के पास आई और परमेश्वर ने यूना नबी को ऐसा बोला कि यूना तू यहाँ से निकल और तू निनवा को जा और निनवे में जाकर वहाँ पर प्रचार कर और वहाँ पर इतना बोल दे कि आज से 40 दिन के पश्चात मतलब कि 41वें दिन परमेश्वर इस जगह का और सभी लोगों का नाश कर देंगे। अभी निनवे जो था वो बड़ा शहर था और उसमें 120,000 लोग रहते थे और परमेश्वर ने तय किया था कि निनवे को ख़त्म कर देंगे। और यूना को बोला और यूना वहाँ पर गए और यूना वहाँ पर जाने के बाद एक दिन की सफ़र करने के बाद उन्होंने वहाँ पर प्रचार किया और जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही प्रचार कर दिया कि आज से 40 दिन के बाद 41वें दिन परमेश्वर जो है वो आप लोगों का नाश कर देंगे। और जैसे ही वहाँ के लोगों ने प्रचार सुना, वहाँ के लोगों ने परमेश्वर की आवाज़ यूना नबी के मुँह से जो आई उस आवाज़ के ऊपर उन लोगों ने विश्वास किया और तुरंत ही उन लोगों ने कुछ एक्शन लेने की शुरुआत की। और वहाँ का जो राजा था उस राजा के पास ये बात पहुँची और राजा ने भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया, लेकिन यूना की कही हुई बातों पर परमेश्वर के वचन पर उन्होंने विश्वास किया और विश्वास करते हुए ये सभी लोग जो है उन्होंने उपवास का ऐलान किया कि पूरा निनवे जो है उपवास करेगा और सभी ने उपवास किया। सभी ने अपने कपड़े उतार कर जो टाट होता है उसको पहन लिया। सभी लोग राख में बैठ गए और 40 दिन तक लगातार सुबह रात ये लोग उपवास में लगे रहे। उन्होंने 40 दिन तक ना खाना खाया ना पानी पिया, बस परमेश्वर के पास वो चले गए और प्रार्थना करते रहे और प्रार्थना में उनका जीवन वो व्यतीत करने लगे। बस इनके दिल की तमन्ना एक ही थी कि हम मारे ना जाए, 41वें दिन हमारा नाश होना है,
हमको नाश नहीं होना है, हमें जीवन चाहिए, हमें परमेश्वर से इस संसार में भी जीवन चाहिए और आने वाले दिनों में स्वर्ग में भी जीवन चाहिए। इसलिए सभी ने अपने अपने जो बुरे काम थे, उनका बुरा चाल चलन था, वो सभी ने छोड़ दिया और सभी ने छोड़कर परमेश्वर से लगातार दिन रात उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। संसार से अलग हो गए और ये लोग लगातार प्रार्थना और अपने सारे बुरे रास्तों से अलग होकर वो परमेश्वर से जुड़ गए। लगातार 40 दिन इन लोगों ने ऐसा किया और परमेश्वर ने उन लोगों का नाश नहीं किया। तो ये सारी बातें तो यूहन्ना नबी की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिल जाती है, लेकिन ये निनवा के लोग जो थे उन्होंने अपना मन क्यों फिराया, इन लोगों ने तौबा क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि निनवे जो है वो इज़राइल का दुश्मन है और इज़राइल के दुश्मन देश का एक शहर है और वो लोग इज़राइल के ऊपर कई बार हमला कर आए थे और उन्होंने कई बार इज़राइल को हराया हुआ भी था, कई बार उन्होंने इज़राइल को गुलाम भी बनाया हुआ था। और जब ये घटना हुई थी तब भी इज़राइल गुलाम बना हुआ था। अभी समझो कि एक ऐसे लोग कि जो खुद गुलाम है और उनके ऊपर कोई राज कर रहा है और वो अपने आप को गुलाम की अवस्था से बाहर नहीं निकाल पा रहा है और उन्हीं का कोई व्यक्ति, उन्हीं का कोई इंसान वो किसी को जाकर ऐसा बोले कि मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया, या तो हमारे परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि 40 दिन के बाद इस जगह का नाश हो जाएगा, तो सामने वाले हंसे नहीं कि भाई साहब तू अपने आप को बचा ले, तेरे देश को बचा ले, तेरा देश तो गुलाम बना हुआ है, तुम लोग तो गुलाम की अवस्था में हो और तुम्हारा परमेश्वर ये नहीं देखता कि तुम गुलाम बने हुए और हमें बचाने के लिए आए? क्या तुम्हारा परमेश्वर हमारा नाश कर सकता है, तुम्हारे दुश्मनों का नाश नहीं कर सकते? जाओ जाके परमेश्वर से तुम लोग विनती करो, हमें बचाने की जरूरत नहीं। ये निनवे के लोग ऐसा बोल सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, इन्होंने ये बात मानी। दूसरी बात कि यूहन्ना अकेले वहाँ पर गए और अकेले वहाँ पर गए और सारे तो उनके दुश्मन है, तो ये लोग जो थे वो यूहन्ना को पकड़कर मार भी सकते थे और यहाँ तक कि ख़त्म भी कर सकते थे। था ही उनका दुश्मन, बोले तू तो हमारा दुश्मन है और इसे तू यहाँ आकर ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, हमको मरने की बातें कर रहा है, हमको मारने की बात कर रहा है, हमारा नाश चाहता है, ख़त्म कर दो इसको। लेकिन उन लोगों ने ऐसा भी नहीं किया, लेकिन देखो इन लोगों ने शांति से काम लिया, यूहन्ना के प्रचार को सुना, उसे ग्रहण भी किया, उनका प्रचार इन लोगों ने मान भी लिया और मानकर इन लोगों ने तौबा भी किया और अपने देवता को छोड़कर जो सच्चे परमेश्वर है उसके पास आ गए। अभी देखो इनके पास भी देव देवता तो थे, लेकिन उन्होंने तुरंत सभी को छोड़ दिया और जिंदा परमेश्वर को माना और उन्होंने जिंदा परमेश्वर को ग्रहण किया और जिंदा परमेश्वर के पास जाकर वो लोग तौबा कर कर अपने जीवन के लिए प्रार्थना करने लग गए। एक बार एक प्रचारक था और उनका जो गांव था, जिस गांव में उनका जन्म हुआ था, वहां से वो दूर रहते थे और बरसों से दूर रहते थे और अच्छा प्रचारक थे, बड़ी कलीसिया थी उनके पास। तो उनके गांव का जो पास्टर था उनको ऐसा लगा कि हमारे गांव का ये प्रचारक है और परमेश्वर उनका इतना इस्तेमाल करते तो क्यों ना उनको हमारे गांव में बुलाया जाए, अपने गांव में बुलाया जाए और यहाँ पर आकर एक बार प्रचार करें, अपने गांव लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनको कुछ सिखाए। तो उस प्रचारक का कॉन्टैक्ट किया, भाई साहब आप अपने गांव में आओगे? प्रचारक खुश हो गए कि हाँ वहाँ तो मैं आऊँगा ही आऊँगा और उन लोगों ने उनको बुलाया और चर्च में उनको मौका दिया और प्रचारक ने बहुत बढ़िया प्रचार किया। जब प्रचार खत्म हुआ, संगति समाप्त हुई, प्रचारक जब चर्च से बाहर निकले तब एक भाई साहब ने उस प्रचारक को रोक लिया। वो बुजुर्ग थे, बूढ़े थे और उन्होंने प्रचारक के साथ बात की कि आपने प्रचार तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन एक काम करो कि गांव के आखिरी हिस्से में अभी तेरा जो भाई है ना वो शराब पीकर पड़ा हुआ है बेहोशी की हालत में, जा पहले उसको जाकर बचा, फिर मेरे पास आना, फिर हमको बचाने का प्रयत्न करना। देखो प्रचार बहुत बढ़िया था, प्रचारक अच्छे थे, लेकिन वहाँ के लोगों को ये भी मालूम था कि इसका सगा भाई वो तो शराब पी रहा है
और शराब पीकर बेहोश की हालत में शराबी है वो, तू उनको छोड़कर हमें कहाँ बचाने के लिए आया? उसने उसके प्रचार को नहीं माना। ऐसी ही बात निनवे के लोगों के साथ हो सकती थी, लेकिन इन लोगों ने इस तरह से बात नहीं की। इन लोगों ने तो प्रचार के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। इन लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर को इन्होंने ग्रहण किया। सारी बातें ध्यान से समझते रहना कि हमारे परमेश्वर जो है वो महान है और उनके वचन जो है उनके वचन अद्भुत है। जब किसी को उसका पाप दिखाओ, अगर किसी को उसकी गलती दिखाओ, तो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि उनको पसंद नहीं आता, चाहे वो प्रचारक बताए, चाहे पास्टर बताए, चाहे कोई विश्वासी बताए, चाहे कोई आम इंसान बताए। अगर किसी को उसका पाप बताया जाए तब ज़्यादातर लोगों को ये बात पसंद नहीं आती और वो लोग क्या करते, सामने से उसकी कोई गलती निकालते और उसकी कोई बात निकाल कर उसको सामने उसके मुंह पर वो बोल देते कि भाई साहब मेरी छोड़ो, तेरे अंदर ये है उसका क्या, या तेरे घर में ऐसा है उसका क्या। अय्यूब परमेश्वर के बहुत बेहतरीन दास थे, परमेश्वर के पीछे चलते थे, और शैतान ने परमेश्वर को उकसाने का प्रयत्न किया और बोला कि आप उनको आशीष देते हो ना, इसलिए वो आपकी महिमा करता है, आपकी आराधना करता है, सारा कुछ छीन लो फिर देखो। और परमेश्वर ने शैतान को बोला जा तू छीन ले और देख, अय्यूब ऐसा वैसा नहीं है, वो फिर भी मेरी महिमा करेंगे। और ऐसा ही हुआ कि शैतान ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन फिर भी अय्यूब परमेश्वर में बने रहे और उन्होंने बताया कि मैं नंगा आया था, नंगा जाऊंगा, लेकिन मेरा जो कुछ भी था चाहे चला गया कोई बात नहीं, उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। शैतान फिर परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर से फिर बात हुई, परमेश्वर ने फिर कहा देख तू बोलता था ना कि उसका छीन लो और देखो इनकार करेगा, तो मेरे दास ने मेरा इनकार नहीं किया, वो तो अभी भी मुझे मानता है, अभी भी मेरे पीछे चल रहा है। तो शैतान ने दूसरी बात बोल दी कि उसमें क्या चमड़ी के बदले में कोई कुछ भी दे सकता है, बोले तू उसके बदन को छू ले, मतलब उसको बीमार कर दे और फिर देखना वो तेरा इनकार करेगा। तो परमेश्वर ने एक बार फिर से कहा वो मेरे हाथ में नहीं है, तेरे हाथ में। और शैतान ने अय्यूब को छू लिया और सर से लेकर पैर तक उसको फोड़े निकले और खुजाने के लिए वो राख में बैठ गए। और उसकी पत्नी जो थी उसने अय्यूब को बोला कि अय्यूब बहुत हो गया, अब अपने परमेश्वर की निंदा कर ताकि वो तुझे मार दे और तू खत्म हो जाए, ना तेरे पास पैसा बचा, ना तेरे पास कोई चंगाई रही, ना तेरे पास अपना शरीर काम कर रहा है, इससे अच्छा है तू निंदा कर मर जा बोले। और अय्यूब ने कहा कि क्या मैं परमेश्वर के हाथ से सिर्फ सुखी ग्रहण करूँ, क्या मेरे हाथ में दुख आए तो क्या मैं उस दुख को ग्रहण ना करूँ, जो होता है होने दो, मैं परमेश्वर की निंदा नहीं कर सकता। और अय्यूब ने इन दोनों बातों में कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन हुआ ऐसा कि अय्यूब के तीन मित्र जब उनको ये सारी बातें पता चली तो अय्यूब के पास आए, वो लोग भी अय्यूब के साथ राख में बैठ गए। उन लोगों ने भी अय्यूब के साथ दुख किया और उनको दिलासा देने का प्रयत्न किया कि जैसे अय्यूब हम भी तेरे साथ है। 7 दिन तक ऐसा होता रहा, 7 दिन वो अय्यूब के साथ रहे और 7 दिन के बाद जब अय्यूब ने बोलना शुरू किया उसके बाद उनके तीन मित्रों ने भी बोलना शुरू किया। और तीन मित्र बारी बारी से अय्यूब से एक ही बात कर रहे, अय्यूब तू दोषी है, अय्यूब तूने गुनाह किया है, अय्यूब तूने पाप किया है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे दंड दिया है, परमेश्वर ने तुझे सजा दी है। और मालूम है जो अय्यूब अपना सब कुछ छीन जाने के बाद भी परमेश्वर में बने रहे, जो बीमार होने के बाद भी परमेश्वर में बने रहे, जब उनके मित्रों ने उनके ऊपर उंगली उठाई और ऐसा कहा कि अय्यूब तूने पाप किया है, तब मालूम है अय्यूब ने परमेश्वर के विरोध में बातें की। और अय्यूब ने ऐसा बोला कि परमेश्वर जो है वो मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे, परमेश्वर मुझे परेशान कर रहे। ऐसा ही होता है अय्यूब जैसे अय्यूब के साथ ऐसा हुआ कि उसको किसी ने पाप के बारे में बात की, अय्यूब सुन नहीं सके और उन्होंने ये बात माना नहीं और उन्होंने सामने परमेश्वर की निंदा करना उन्होंने शुरू कर दिया। जब भी किसी को पाप दिखाते हैं, जब भी किसी के लिए पाप की बातें करते हैं, तब इंसान जो है वो ज़्यादातर इस बात को समझ नहीं पाता। अगर किसी को पाप दिखाओ
तो वो उसको तो सही में बोलना चाहिए कि भाई साहब थैंक यू, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पाप बताया, पाप तो मैं जानता ही नहीं था। अच्छा आपने पाप बताया तो मैं इस पाप को दूर कर दूंगा और मैं परमेश्वर में जीवन जीऊंगा। लेकिन होता ऐसा है कि वो पाप जानने के बाद वो उसको छोड़ने की जगह वो दूसरे के ऊपर अपना दोष लगाते। लेकिन बाइबल में एक वचन लिखा है, हम एक वचन पढ़ते हैं जो है नीति वचन, उसका 28वां अध्याय और उसका 13 वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जो कोई इंसान अपने पापों को छुपाता है, अगर उसको पाप बताए फिर भी उस पाप को छुपा देता है और वो पाप को ग्रहण नहीं करता, वो पाप को कबूल नहीं करता, तो परमेश्वर बोलते हैं कि उसके ऊपर दया नहीं की जाएगी। लेकिन जो इंसान अपने पापों को मान लेगा, कबूल करेगा और कबूल करने के बाद उसे छोड़ भी देगा, तो बाइबल का वचन ऐसा कहता है कि उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। देखो ध्यान से समझना, जो इंसान अपने पापों को छुपा लेता है उसके ऊपर दया नहीं की जाएगी, लेकिन जो कोई उस पापों को मानकर उसे छोड़ देता है उसके ऊपर क्या की जाएगी, उसके ऊपर दया की जाएगी। पापों को मानना है और मानने के बाद छोड़ना है। परमेश्वर कहते हैं कि उसके ऊपर दया की जाएगी। लेकिन ध्यान से समझना कि पापों को मानना मतलब कबूल करना और उसको छोड़ना, उसके लिए हमारे जीवन में जो चाहिए वो है नम्रता, नरमाई। जिस इंसान के अंदर नरमाई नहीं वो इंसान कभी भी अपने पापों को मानेगा नहीं, मानकर छोड़ेगा नहीं और वो उसी पाप में वो बना रहेगा। पापों को मानने के लिए, हाँ भाई मेरी गलती हो गई, वो मानने के लिए इंसान को चाहिए एक नम्रता। और इसलिए लुका में एक बात लिखी है, लुका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 8वां वचन। जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि अगर तुझे ब्याह में या कहीं पर भी बुलाया जाए खाने के ऊपर और तू अच्छी जगह ढूंढ कर तू वहाँ पर बैठ जाए, ऊंचाई के ऊपर बैठ जाए, और हो सकता है जिसने तुझे न्योता दिया, जिसने तुझे बुलाया उसने तेरे से भी बढ़िया, जिसका उसके साथ अच्छे रिलेशन है, अच्छे संबंध है, ऐसे किसी को बुलाया हो, और जब वो आए और तुझसे ऐसा कहे कि भाई साहब यहाँ से उठ जाओ, ये जगह आपके लिए नहीं, ये जगह किसी और के लिए, तो कैसा हो जाएगा? जब किसी को ये बताया जाए कि तू कुर्सी पर बैठा ना, ये कुर्सी छोड़ दे, कुर्सी किसी और के लिए रखिए, वो बैठ चुका है, नहीं बैठा तो फिर बात ठीक है, लेकिन बैठा और अगर उसको उठाया जाए तो उसके हालात कैसे हो जाएंगे? उसको अंदर से मालूम क्रोध आ जाता है, मुझे उठाए। ज़्यादातर देखना कि जब स्टेज बना होता है तो स्टेज पर जाने के लिए लोगों को बहुत मन करता है, अगर मेरी भी जगह वहाँ पर हो, अगर कोई वहाँ पर बैठ गया हो और ऐसा हो कि वहाँ से उसको उठाया जाए और उसकी जगह किसी और को बिठाया जाए तो उसका चेहरा कैसा हो जाएगा? वो खुशी खुशी वहाँ से नहीं निकलेगा, नहीं बोल सकेगा, वो बात अलग से, लेकिन खुशी से वहाँ से नहीं उतर जाएगा, उसको बहुत बुरा लग जाएगा। क्यों? अगर नम्रता होती ना तो ऐसा नहीं होता। इसलिए परमेश्वर क्या बोलते हैं, ऊंचाई को मत ढूंढो, लेकिन कैसी जगह पर बैठो, नीचे वाली जगह पर बैठो, ताकि अगर जिसने तुझे न्योता दिया वो आए और तुझे नीचे जगह पर बैठा हुआ देखे और बोले नहीं भाई साहब तेरी ये जगह नहीं है, उठ मैं तुझे ऊंचाई के ऊपर बिठाऊंगा, तब कैसा सम्मान मिलेगा? लेकिन नीचे बैठने के लिए क्या चाहिए? नम्रता चाहिए। हालेलुया। नीचे बैठने के लिए नम्रता चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि मूसा और परमेश्वर से बात करने के लिए पहाड़ पर चले गए थे
और पहाड़ पर आग लगी हुई थी और परमेश्वर उस आग के अंदर मूसा के साथ बातें कर रहे थे और परमेश्वर मूसा को कुछ आज्ञाएं दे रहे थे और मूसा वहाँ पर उस आज्ञा को लिख रहे थे। लेकिन 40 दिन हुए और 40वें दिन जो इज़राइल के लोग थे वो सारे हारून के पास आए और हारून को बोलने लगे कि मूसा कब से गया है और मूसा का क्या हुआ, हम तो नहीं जानते, तो ऐसा करो हमारे लिए एक देवता बनाओ, जो मूसा हमको छुड़ा कर लेकर आया है उसका तो क्या हुआ हम नहीं जानते। तो बोले लेकर हमारे लिए कोई देवता बना। तो हारून भी डर गए। तो हारून ने क्या किया, ठीक है अपने कानों में नाक में जहाँ पर भी सोना है लाओ, और सोना निकाल कर उसको पिघला कर उन्होंने एक बछड़ा बना लिया और बछड़ा बनाने के बाद बोला ये यहोवा है इसकी आराधना करो, इसके लिए पर्व मनाओ। अभी परमेश्वर ने ऊपर से सारी बातें देखी तो उन्होंने मूसा को भेजा कि मूसा यहाँ से तू नीचे जा, तेरे लोग देख वो पाप कर रहे। और मूसा आए और मूसा ने लोगों को दंड दिया, कुछ समझाया और फिर से वो परमेश्वर के पास गए। लेकिन जहाँ तक बोल कर गए कि देखो मैं तुम्हारे लिए पश्चाताप करने के लिए जा रहा हूँ, परमेश्वर से कुछ कहने के लिए जा रहा हूँ कि परमेश्वर आपको क्षमा करे, अभी क्षमा करे तो ठीक है लेकिन मैं प्रयत्न करता हूँ। अभी मूसा जो है वो तो चले गए परमेश्वर के पास और परमेश्वर के पास जाकर उन्होंने परमेश्वर से बातें करना शुरू की। तो परमेश्वर तो बोल दिया मैं इन सभी का नाश कर दूंगा, हे मूसा इतना याद रख कि सारी इसराइल प्रजा जो है वो सारी मार दी जाएगी, एक भी नहीं बचेगा, बचेगा तो सिर्फ तू अकेला। और मूसा अब मैं तेरे से एक बड़ी कौम, इसराइल से बड़ी कौम मैं बनाऊंगा। अभी देखो एक और मूसा है, एक और परमेश्वर है और परमेश्वर खुद मूसा को कह रहे कि मूसा मैं ऐसा करने वाला हूँ, सभी को मार दूंगा और तेरे जरिए एक बड़ी प्रजा। आज देखो इसराइल और वो हमास का युद्ध चल रहा है, अगर मूसा ने बात मान ली होती तो आज इसराइल प्रजा नहीं होती, मूसा की प्रजा होती है और उसके साथ युद्ध चल रहा होता। लोग इसराइल पुत्र ऐसा नहीं बोलते, लोग मूसा के पुत्र ऐसे बोलते हैं, इनका बाप मूसा है। मूसा के लिए कितनी बड़ी एक बात हो रही थी कि इसराइल का नाम ख़त्म और मूसा का नाम शुरू। और देखो मूसा के नाम से आज भी प्रजा होती, कितनी बड़ी बात थी, मूसा को कितना खुश होना चाहिए था, अच्छा अच्छा पर जल्दी करो, जल्दी मार दो, ख़त्म करो और मेरे से एक प्रजा बना दो और मैं तो इनके जैसा हूँ नहीं, मैं तो आपकी कितनी आज्ञाकारी करता हूँ। लेकिन मूसा ने क्या बोला मालूम, हे परमेश्वर आप कैसी बातें कर रहे हो, आप तो परमेश्वर हो, परमेश्वर होकर ऐसी बातें करनी, अरे परमेश्वर आपने इन लोगों को एक दिन में मार दिया तो मालूम है दूसरी प्रजा क्या बोलेगी कि इसका परमेश्वर इतना कमज़ोर है इनको लेकर नहीं गया और रास्ते में मार दिया। नहीं 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 परमेश्वर ऐसा नहीं करना है, मेरी प्रजा नहीं मेरी कौम नहीं, इसराइल प्रजा ही चाहिए, बस याकूब के ही संतान चाहिए, किसी को नहीं मारना है। और देखो अगर मारना है तो एक बात सुन लो, स्वर्ग का जो पुस्तक है जीवन की पुस्तक है ना, मेरा नाम भी निकाल दो, मैं भी नहीं जाऊँगा स्वर्ग में, जाओ लेकिन इनको जीवन दो, इनको क्षमा करो। हालेलुया, ये बात ऐसे नहीं आती, इसके लिए नम्रता चाहिए। किसी के लिए जीवन मांगना और खुद पश्चाताप करना, किसी के लिए खुद तौबा करना, खुद किसी के आगे विनती करना, किसी के लिए उसके लिए नम्रता चाहिए। और देखो मूसा के अंदर कितनी नम्रता है। ये लोग आगे बढ़े और विश्राम के देश के पास, वचन के देश के पास पहुंच गए। परमेश्वर के कहने के अनुसार मूसा ने 12 लोगों को भेजा, जाओ भेद लेकर आओ, जासूसी कर कराओ। 12 लोग गए, वापस भी आए लेकिन रोने लगे और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे परमेश्वर हमको मरने के लिए लेकर आए, परमेश्वर हमको मरने के लिए लेकर आए, वहाँ तो राक्षस लोग रहते हमको ख़त्म कर देंगे। और फिर लोगों ने ऐसा बोला कि मूसा को हटाओ, दूसरा अगुआ बनाओ जो हमको वापस मिस्र में लेकर जाए, गुलाम बनाए। देखो मूसा जो छुड़ा कर लेकर आए उनकी बात नहीं, उनको हटाओ, एक ऐसा अगुआ बनाओ जो वापस मिस्र में ले जाए, हमको गुलाम बनाए, ऐसा अगुआ बनाओ। और परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और परमेश्वर एक बार फिर मूसा से कहा, मूसा अब मुझसे मत रोकना, पहली बार तो तूने रोक लिया, अब मैं बोलता हूँ मुझसे मत रोकना, मैं सभी को ख़त्म कर दूंगा और तेरे जरिए एक बड़ी प्रजा बनाऊंगा। दूसरी बार परमेश्वर ने बोला और दूसरी बार भी मूसा कह सकते थे कि लोग मेरा विरोध कर रहे कर ही दो ऐसा, लेकिन मूसा ने फिर परमेश्वर को क्या बोला, नहीं परमेश्वर आप अपने क्रोध से पीछे हट जाओ, इतना क्रोध आपको नहीं होना चाहिए, परमेश्वर इनको क्षमा कर दो, इनको मत मारो, इनको लेकर जाओ उस देश में।
हालेलुया। ध्यान से समझना कि मूसा ऐसे वैसे नहीं थे। मूसा के जरिए परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए थे। पानी का लहू बना दिया था, समुद्र को फाड़ दिया था, टिड़िया मंगवाई थी, मेढक लाए थे वहाँ पर, और परमेश्वर ने खुद कबूल किया कि मूसा जैसा परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता नबी आज तक पूरे इसराइल में पैदा नहीं हुआ। इतनी ऊंचाई के ऊपर जाने वाला एक मूसा, वो परमेश्वर से विनती करते, नहीं परमेश्वर मैं नहीं, इन सभी को लेकर जाओ, इनमें से कोई मरना नहीं चाहिए, सभी को बचाओ और सभी को उस देश में लेकर जाओ। ये बात छोटी बड़ी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि मूसा के अंदर इतनी नम्रता थी। इतने सारे चमत्कार करने के बाद भी मूसा के अंदर जो नम्रता थी, उस कारण मूसा ने ये सारे काम किए। अभी ऐसे मूसा के उन्होंने शादी कर ली, और शादी कर ली वो भी अन्य जाति के स्त्री के साथ। अभी सवाल होता है कि मूसा जैसा व्यक्ति क्या ऐसी कोई स्त्री के साथ शादी कर सकता है? और जैसे ही मूसा ने शादी की, मूसा जो है वो लोगों को बचा चुके थे, उन्होंने लोगों को बचाया था, खुद को नरक में डालने की बात कर ली थी, और ऐसे मूसा ने एक बार शादी क्या कर ली। और मूसा का बड़ा भाई हारून जो बछड़ा बना चुका था, मरियम जो इस बात में खुश थी, वो दोनों भाई बहन मूसा के विरोध में आ गए। मूसा हमसे छोटा है, तू किसको पूछकर शादी की, क्यों शादी की, अन्य जाति की लड़की क्यों लाया? मूसा चुप रहे, कुछ भी नहीं बोले। अगर मूसा की जगह पर कोई और होता जिनके जरिए इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए होते तो क्या बोलता मालूम है? पता है मेरी वजह से आज बाहर हो और मेरे ऊपर आँख उठाते हो, मेरे ऊपर उंगली करते हो। लेकिन मालूम मूसा कुछ नहीं बोले, चुप ही रहे। लेकिन परमेश्वर वहाँ पर आए और परमेश्वर बोला, मूसा इनको दूर हटाओ, ये हारून को बोला लग जाए, ये मरियम को बोला लग जाए, और उन लोगों को परमेश्वर डांटा। इसका मतलब मूसा ने जो भी किया है परमेश्वर के कहने के अनुसार किया होगा। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन परमेश्वर ने इस बात को पाप नहीं माना। इसका मतलब मूसा ने जो किया सही किया, परमेश्वर की मर्जी से किया होगा, परमेश्वर बोला होगा कुछ, वो जो भी हमें उसकी फिक्र नहीं करनी। लेकिन परमेश्वर ने मूसा का पक्ष लिया और परमेश्वर ने बोला कि मूसा, ये हारून और मरियम जो है उनको मार दिया जाए, और उनको बोला कि आप लोगों को पता नहीं चलता मेरा अगर कोई दास हो, मेरा कोई नबी हो, मेरा कोई मेरी मानने वाला अगर कोई हो, तो उसके साथ मैं सपने में बात करूंगा, उसके साथ मैं दर्शन में बात करूंगा, भेद वाली बात करूंगा, उसको सपना आने के बाद, दर्शन आने के बाद उसको उसके उत्तर के लिए किसी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन मूसा के साथ मैं आमने सामने बैठकर बात करता हूँ, मेरा मूसा ऐसा वैसा नहीं है, मेरा मूसा वो जबरदस्त है। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं जो है गिनती का पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 3रा वचन, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। बाइबल में लिखा है कि मूसा पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों में सबसे नम्र थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या लिखा है? मूसा पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों में सबसे नम्र थे। उनके ऊपर उनका भाई और उनकी बहन आ गई, उनका विरोध करने लगे, लेकिन मूसा कुछ नहीं बोले। वो तो परमेश्वर बीच में आए, परमेश्वर ने मूसा का पक्ष लिया, वरना मूसा कुछ नहीं बोले थे। और परमेश्वर ने कहा कि मूसा वो धरती में जितने भी लोग रहते हैं उनमें सबसे नम्र है। मूसा के अंदर नम्रता थी, मूसा के अंदर नरमाई थी। हालेलुया, ये नम्रता बहुत बड़ी बात है, ये नम्रता वो बहुत बड़ी बात है और बहुत सामर्थ्य बात है। क्योंकि एक वचन हम पढ़ते हैं जो है गलातिया उसका 5वां अध्याय और 22 और 23, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया, यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा के जो फल है उसमें सबसे आखिर से पहले जो है वो है नम्रता, नरमाई। ये पवित्र आत्मा का फल है, ये बिना पवित्र आत्मा नहीं आ सकता। और परमेश्वर ने उस मरियम को कोढ़ी कर दिया, मरियम कोढ़ी हो गई, और कोढ़ी को उसने अपने आप को देखा तो सर से लेकर पांव तक कोढ़ी हो चुकी थी, और कोढ़ी होना मतलब अशुद्ध होना। और जब वो कोढ़ी हो गई थी तो मालूम है मूसा ने प्रार्थना की,
मूसा बोल सकता था हैं मरियम, बहुत मेरे विरोध में आती थी ना, देख लिया मैं कैसा हूँ। एक भी बात मूसा ने नहीं सुनाई। मूसा ने खुद परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा अगर सही में कोड़ी होती, सही में इसके साथ ऐसा कुछ होता तो बोले 7 दिन इसको छावने से बाहर नहीं रहना पड़ता। रखो बोले 7 दिन बाहर ही रखो इसको। लेकिन मूसा ने मरियम को दंड देना नहीं चाहा था, उन्होंने तो मरियम के लिए भी प्रार्थना की थी। कितनी नरमाई मूसा में है, कितनी नम्रता मूसा में है, और ये पवित्र आत्मा का फल है। बिना पवित्र आत्मा इंसान के अंदर नम्रता ना, वो हो नहीं सकता। अब एक बार प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ कहीं पर जा रहे थे, और जो वचन आज हमने पढ़ा था मत्ती उसका 15 अध्याय और 21 से लेकर जो हमने पढ़ा, वहाँ पर ये बातें लिखी। कोई बात नहीं, निकालना नहीं, बस उसको शांति समझना। प्रभु सुझा रहे पीछे से एक स्त्री जो है वो आ रही है। उस स्त्री अन्य जाति से, वो इज़राइल की नहीं है, इज़राइल के परमेश्वर को मानने वालों में से नहीं है। लेकिन उसकी बेटी जो थी उसको दुष्ट आत्मा था, और वो उससे परेशान थी। हो सकता है उसने कई प्रयत्न किए होंगे लेकिन अभी तक उसको छुटकारा नहीं मिला था। लेकिन उसे यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, जाना होगा, समझा होगा, तो उसने सोचा चलो यीशु मसीह के पीछे चलते हूँ। तो उस स्त्री चिल्ला कर आने लगी यीशु मसीह के पीछे, मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा, मेरे बेटे को भूत प्रेत है, यीशु उसको निकाल। यीशु मसीह जैसे सुनते ही नहीं है। अभी ध्यान से समझना, हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे, ऐसे परमेश्वर की बात कर रहे कि जो खुद नम्र है, जो प्रेम करते हैं, जो दयालु है, जो कृपालु है, ऐसे परमेश्वर की बात करते। ऐसे यीशु जिनके अंदर प्रेम भरा हुआ है, उनके जैसा प्रेम आज तक किसी ने किया नहीं और कोई कर भी नहीं पाएगा, ऐसा प्रेम। और वो यीशु जा रहे और ये स्त्री पीछे से आवाज़ लगा रहे, यीशु मेरे बेटे को भूत है, यीशु मेरे बेटे को भूत है, उसको दुष्ट आत्मा, उसको निकालो। यीशु मैं सुनते ही नहीं, चेले परेशान हो गए, अरे इसको सुनते क्यों नहीं, ये स्त्री देखो कब से चिल्ला रही है उसके बेटे को दुष्ट आत्मा निकालो, कुछ तो करो। अरे नहीं निकालो तो उसको उत्तर तो दे, तू जाए यहाँ से, कुछ भी तो करो। और मालूम प्रभु ने क्या बोला अपने चेलों को, बोलो मैं तो इज़राइल के घराने के खोए हुए लोगों को बुलाने के लिए आया, मैं अन्य जाति के लिए नहीं आया। अभी सोचो आप कहीं पर किसी के पास जा रहे हो और वो ऐसा समझे कि मैं तेरे लिए नहीं हूँ, चल तू जा यहाँ से। हमारे गुजरात में जब मैं छोटा था तब कई गांव ऐसे थे कि जहाँ अगर वो लोग सुन लेने की एक मसीह को मानने वाला है तो उसको दुकान पर कुछ देते भी नहीं थे। अगर बाल कटाने के लिए यार पता चल जाए ना मसीह को माने तो उसको हट दूर कर, चल यहाँ से निकलो। मेरी बहन और मेरे जीजा उनका जहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था उस गांव में मैं गया था, और तब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो उन्होंने मुझे पहले से बता दिया जब हम दुकान में लेकर लेने के लिए जा, बोले किसी को बोला नहीं मसीह है, नहीं मैंने बोला क्या हो, बोला देंगे भी नहीं कुछ भी। ऐसी हालत तो मैं जवान था तब, ऐसी हालत थी हमारे गुजरात में। अभी देखो वो लोग ऐसा समझते हल्के लोग हैं, ये तो कुछ छूना भी नहीं चाहिए। अभी प्रभु यीशु इस स्त्री के साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे, वो बोलते हैं कि मैं तो इज़राइल के लोगों के लिए आया, ये तो अन्य जाति से, इसके साथ मैं नहीं बातें करूँगा, इसका मैं कुछ नहीं करूँगा, उनके कहने का मतलब ऐसा है। तो भी वो स्त्री पीछे से आती है और आकर प्रभु यीशु के पैर पकड़ लेते हैं कि यीशु मेरी बेटी पर दया करो, मेरी बेटी पर दया करो। तो मालूम है प्रभु यीशु ने क्या बोला कि जब तक बच्चे भूखे हैं तब तक बच्चे की रोटी लेकर कुत्ते को डालना सही नहीं है। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि ये स्त्री है ना वो कुत्ती के समान है। हालेलुया। देखो मैं प्रभु यीशु की बात कर रहा हूँ और प्रभु यीशु स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। स्त्री को प्रभु यीशु ने समझ लो कुत्ती बोल दिया, तो कुत्ते मैं तुझे रोटी नहीं डालूंगा, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। और मालूम है अगर स्त्री की जगह कोई और होता तो छोड़ो मैं कुछ भी करवा लूँगी, इतना घमंड तेरे अंदर, तो मेरे साथ ऐसी बातें करता है, कोई बात नहीं मर जाए तो मर जाए। लेकिन स्त्री ने अभी भी क्या बोला मालूम, हाँ प्रभु कि मालिक जो खाता है ना उसके जो टुकड़े गिर जाते वो तो कुत्ते को मिलते हैं ना, चाहे मैं कुत्ती वो तो दे दे। और मालूम है तब प्रभु अचानक से बदल गए। अब प्रभु ने क्या बोला,
स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जा बोले शांति से अपने घर जा, तेरे बेटे के अंदर से भूत प्रेत निकल गया है। और औरत अपने घर पर जाती है और सही में उसके जीवन में काम हो गया होता है। लेकिन ध्यान से समझना कि इस घटना में हुआ क्या, प्रभु यीशु ने किया क्या और स्त्री ने क्या किया। तो प्रभु यीशु स्त्री के साथ जिस तरह से व्यवहार करते हैं वो व्यवहार कुछ अलग तरीके का है। प्रभु यीशु जैसे घमंडी है और स्त्री को जैसे कुछ भी देना नहीं चाहते। जबकि एक व्यभिचारी स्त्री आई थी, प्रभु यीशु ने उसको बचा लिया था, जक्कई के घर में जाकर जक्की को बचा लिया था। लेकिन यहाँ पर स्त्री के साथ कुछ अलग से व्यवहार कर रहे। ये सही में प्रभु से जो किया वो आज हमारे लिए किया है। हालेलुया, आज प्रभु हमें कुछ सिखाने के लिए जा रहे। प्रभु उस स्त्री के जरिए ये सिखाना चाहते हैं, उसके साथ ये व्यवहार करके ये सिखाना चाहते हैं, ये नम्रता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अगर प्रभु उससे कुछ चाहिए तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दो आज्ञा मान ली और प्रभु से को बोले कहाँ प्रभु से हमने दो आज्ञा मान ली, लाओ अपनी आशीष। प्रभु साहब का वचन कहता है कि दस मास दो तो हमारे घर में इतना आप दे दोगे कि घर में एक रखने की जगह तक नहीं होगी। लो प्रभु हमने दस मास दिया, लाओ मेरा घर भर दो, ये वाली बात नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर कुछ बताना चाहते। स्त्री ने एक भी बार ऐसा नहीं कहा कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी परमेश्वर को मानने वाली हूँ, मुझे भी उसी परमेश्वर ने बनाया, कुछ नहीं। हाँ प्रभु आप मुझे कुत्ती बोलते मैं कुत्ती जाऊँ, लेकिन कुत्ती पर भी दया तो करो। इसके लिए क्या चाहिए, नम्रता चाहिए। हालेलुया, इसके लिए इंसान को जो जरूरत है वो है नम्रता की। प्रभु उसने कहा प्रार्थना करते थको मत, प्रार्थना करते हो दुखी मत हो, क्या करो प्रार्थना, क्या करो प्रार्थना। बोले एक न्यायी था जज, और उसके पास किसी बेवा का किसी विधवा का केस आ चुका था और विधवा सही थी, उसको न्याय मिलना चाहिए था। लेकिन उसका विरोधी जो भी होगा उसने इस जज को पैसे दिए होंगे। ये रिश्वतखोर था, परमेश्वर से डरता नहीं था, इंसानों की परवाह नहीं करता था और इसे मन में तय किया था कि इस विधवा को मैं कोई भी न्याय नहीं दिलाने वाला, इसके लिए मैं कोई भला नहीं करने वाला। तो जब भी ये विधवा जाती थी जज साहब में आ गई, मेरा केस का क्या हुआ, तो आज आ गए एक काम कर कल आना, ओके साहब मैं कल आऊँगी। दूसरे दिन फिर हाजिर, जज साहब में आ गए आपने कल बोला था ना आने को, मैं आज आ गई, रात नहीं परसों आना कि परसों तेरा काम होगा, ओके जज साहब कोई बात नहीं परसों फिर हाजिर। जज बोलते सुबह सुबह आ गया नहीं शाम को आना, वो शाम को चले आया, जितनी बार बोला इतनी बार विधवा हाजिर, एक भी बार उसने ऐसा नहीं बोला क्यों बार बार मुझे तक के खिलाया जा रहा, मैं सही मुझे न्याय क्यों नहीं दिलाते। और आखिर में उस जज ने क्या बोला, ये जज ने ऐसा बोला कि मेरा सर खाया जा रही है, इसको मैं न्याय दिलाऊंगा, मैं देना नहीं चाहता था, मैं परमेश्वर से डरता नहीं और इंसान की परवाह नहीं करता और मैं इसको न्याय नहीं दिलाना चाहता, लेकिन ये मेरा सर खाया जा रही है इसलिए मैं इसको न्याय दिलाऊंगा। बार बार किसी के पास जाकर धक्का खाना, बार बार किसी के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहना, बार बार उसको बोला मेरा काम करो मेरा काम करो, फिर भी नहीं किया जा रहा। और तब मालूम है दिमाग घूम जाता है, इंसान को क्रोध आ जाता है, लेकिन स्त्री को कुछ भी नहीं। और प्रभु ने बोला, प्रभु से ने कहा ये जज क्या बोल रहा है उसको सुनो, और जो मेरी प्रार्थना बार बार करते रहते और मैं उनके नहीं सुनता, मैं उनको उत्तर नहीं देता, लेकिन एक जज जो रिश्वतखोर है वो अगर जवाब दे देता है तो क्या मैं उनको उत्तर नहीं दूंगा। हालेलुया, बार बार प्रार्थना करने के लिए भी नम्रता चाहिए। परमेश्वर से काम करवाने के लिए हमारे जीवन में जो चाहिए वो तो नम्रता चाहिए, और नम्रता बहुत बहुत बड़ी बात है। ध्यान से समझना, नम्रता इतनी भारी चीज़ है कि अगर आज आप समझ जाओगे तो आपके जीवन में कभी भी घमंड नहीं आएगा। 120,000 लोग उस निनवे में रहते थे और परमेश्वर का फैसला था कि मैं इनको ख़त्म कर दूंगा, 41वें दिन मैं इनको ख़त्म कर दूंगा। और परमेश्वर ने यूना को बोला जा जाकर इतना बोल दे इन लोगों को, और मालूम है इनकी नम्रता के कारण परमेश्वर ने अपना फैसला बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया, बात समझ में आ रही है कि नहीं। एक नम्रता परमेश्वर का फैसला बदल देती है, चाहे परमेश्वर कोई भी फैसला किया हो आपके बारे में,
चाहे नरक में डालने का फैसला किया हो, चाहे आपको बीमार करने का फैसला किया हो, चाहे आपके ऊपर किसी का हमला करवाने का फैसला किया हो, लेकिन एक नम्रता की परमेश्वर का फैसला बदल देती है। स्त्री के बारे में प्रभु से कुछ नहीं करना चाहते, मना कर दिया, मैं तो इज़राइल के खोए हुए घराने के लिए मैं आया हूँ, मैं तेरे लिए नहीं आया। जब तक बच्चा भूखा है तब तक उसकी रोटी कुत्ते को नहीं डाली जाती, लेकिन इसको मिलेगी नहीं। हालेलुया, एक नम्रता परमेश्वर का फैसला बदल देती है। नम्रता बहुत बड़ी चीज है। एक नम्रता वो परमेश्वर का फैसला जो है वो फैसला बदल देती है। और एक वचन एक पढ़ते हैं बाइबल से, जो है पहला पत्रस इसका पांचवा अध्याय इसका पांचवा वचन। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधते रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया, जो घमंडी है परमेश्वर के विरोध में है, लेकिन जो नम्रता धारण करता है तो परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर उनके पक्ष में रहते। कभी भी मूसा ने किसी का विरोध नहीं किया, मूसा ने अपनी बहन मरियम का भी विरोध नहीं किया, हारून का भी विरोध नहीं किया, कुछ बोले ही नहीं, लेकिन परमेश्वर मूसा के पक्ष में आकर खड़े रहने। अगर आप नम्र हो गए ना, आपको अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, परमेश्वर खुद आपके पक्ष में आकर खड़े रहेंगे और वो आपके लिए वो लड़ेंगे दूसरे के साथ। मूसा के लिए परमेश्वर लड़ेगा क्योंकि मूसा नम्र थे। परमेश्वर नम्रता के कारण अपना फैसला बदल देते, ये है हमारे परमेश्वर। और इसलिए स्त्री जब प्रभु से के पास आई, प्रभु से उसको कुत्ते तक कह डाला, लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं गई, अपना काम करवा कर गई, प्रभु उसका फैसला बदलवा कर गई, क्योंकि इसके अंदर क्या थी, नम्रता। कुत्ते कहने के बाद किसी के पैर पकड़ना फिर भी गिड़गिड़ाना, ये नम्रता के बिना नहीं हो सकता। हालेलुया। और एक बात ध्यान समझना कि नम्रता और घमंड दोनों एक दूसरे के विरोधी है। नम्रता नहीं तो क्या है, और घमंड मतलब, घमंड कौन है, शैतान का बाप है। जहाँ पर नम्रता नहीं वहाँ पर शैतान का बाप हाजिर है। तो नम्रता है तो शैतान कभी आपके पास नहीं आ सकता, उसका बाप नहीं आ सकता, तो शैतान तो क्या आ सकता है। और नम्रता परमेश्वर का फैसला बदल देती है। हालेलुया। आओ सभी अपनी आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाएं, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में उपस्थित है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक स्त्री जिसको प्रभु से कुत्ते तक कह डाला, लेकिन वो प्रभु से बनी रही, प्रभु से फैसला बदलवा कर गई, क्योंकि उसके अंदर ये सब कुछ सुनने की नम्रता थी, फिर भी उसने प्रभु से के पैर पकड़ लिए। और निनवे के लोगों में नम्रता थी, उन्होंने परमेश्वर के वचन को माना, उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, उन लोगों ने उपवास किया, टाट पहना, राख में बैठ गए, और देखो परमेश्वर को अपना फैसला बदलना पड़ा। आज आपके जीवन में क्या है, क्या आपके जीवन में कोई बीमारी है, क्या आज आपके जीवन में कोई समस्या है, क्या आज ऐसा कोई काम है जो हो नहीं रहा आपके जीवन से, क्या पिछले कुछ वक्त से या तो कुछ सालों से क्या आप परेशान हो, किसी बातों को लेकर समस्या में हो, क्या अपने पत्नी के लिए समस्या में हो, अपने पति के लिए आप कहीं पर फंसे हो, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बीमारी के लिए, क्या कुछ समस्या में हो, उलझन में हो, और अभी तक आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से कोई काम नहीं हुआ, तो मेरे प्रिय उसका कारण एक ही हो सकता है, और वह है घमंड, नम्रता का ना होना। लेकिन आज एक स्त्री ने जो नम्रता दिखाई उसके कारण प्रभु को अपना फैसला बदलना पड़ा। निन्वे के लोगों ने जो नम्रता बताई और अपना फैसला परमेश्वर को बदलना पड़ा। मूसा ने नम्रता दिखाई और जिन इज़राइल लोगों को परमेश्वर मारना चाहते थे परमेश्वर ने फैसला दो बार बदल दिया।
आज हमारे परमेश्वर नम्रता के कारण अपना फैसला बदल सकते। अगर आज उन्होंने आपके बारे में कुछ ठान भी लिया है, हो सकता है कि आपका फैसला हो चुका, आप नर्क में जाने वाले हो, लेकिन एक नम्रता आपको बचा सकती है। आपकी बीमारी एक नम्रता दूर कर सकती है। बस परमेश्वर के सामने झुक जाओ और परमेश्वर से बस इतना कहो कि हाँ परमेश्वर आप बड़े, मैं कुछ भी नहीं। उस विधवा स्त्री की तरह बार बार परमेश्वर से विनती करते रहो। परमेश्वर से एक बार भी मत पूछो कि परमेश्वर क्यों मेरे साथ ऐसा, क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे। ऐसा परमेश्वर से पूछने की जरूरत नहीं है। बस परमेश्वर में बने रहो पूरी नम्रता के साथ, पूरी नरमाई के साथ, और देखना परमेश्वर अपना फैसला बदल देंगे। परमेश्वर आपके पक्ष में खड़े रहेंगे और परमेश्वर आपकी लड़ाई खुद लड़ेंगे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।